हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज फिर निकल चुके हैं ठंडी में नाइट में ब्लॉग बनाने। तो गाइस चलते हैं यहाँ सिटी तरफ से आते हैं। आज सिटी राइड नाइट राइड हो जाए, देखते हैं भाई कैसा रहता है सिटी नाइट राइड। भाई ठंडी में हालत ख़राब हो रहा है यार, क्या बताएं। ठंडी इतना बढ़ चुका है क्या बताऊं, पर मेरे जानते तक ना पहले इतना बिलासपुर में ठंडी नहीं हुआ था, ठंड नहीं बढ़ा था। तब क्या करें, बढ़ गए हैं तो मैनेज करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, धुंध वगैरह कोहरा जम जाता है पूरे हेलमेट में। जब हेलमेट लगाकर चले तो आराम से चलते हैं गाय, कोई रस ड्राइविंग वगैरह कुछ नहीं, वैसे आराम से चला रहे हैं। ट्वेंटी से बढ़कर है गाइस, तो गाइस हम लोग सोच रहे थे बाहर मतलब कि राइडिंग में जाए करके। तो ऐसा लग रहा है कि भाई लोग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई लोग अभी कुछ इतना ठंडे में सब का हालत ख़राब हो रखा है यार। अभी नेक्स्ट राइड के लिए मतलब कि अपने चलेंगे सोच रखे थे कहाँ कोरबा जाने के लिए, बट क्या करें ऐसा लग रहा है कि ठंडी में सबका हालत ख़राब हो जाएगा। वैसे तो राइडर्स को कम ठंड लगता है, मतलब कि कम ठंडा लगता है, तो अपन लोग चलते हैं। भाई पहले पेट्रोल डलवाते अपने ब्लैक पैंथर में, उसके बाद चलेंगे सिटी तरफ। तो भाई पहले पेट्रोल डलवाते हैं अपने बाइक्स में, फिर चलते हैं। नॉर्मल नहीं है क्या यार, पावर ही चल रहे हैं हम लोग, नॉर्मल वाले हैं भाई, नॉर्मल ही चाहिए अपने बाइक में। नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल ही के लायक है, इतना पावर के लायक है ही नहीं है। राइड में कैसा रहता है कि मैं ज़्यादा भीड़ इलाके में नहीं गया हूँ, क्योंकि पता है अपने बाइक का तो मॉडिफिकेशन हो रखा है पीछे साइड, इसीलिए अपन लोग आराम से जो रूट लिए थे पिछले बारी नाइट राइड में उसी रूट ले लिए हैं। साइड में भाई किधर किधर से आ जाते बंदे लोग, ये नहीं मानता भाई। जब इसका चलाने वाला होना चाहिए राइडर इसके लिए, स्विगी वाले भैया अच्छा भगा रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल। तो गाइस पिछले ब्लॉग कैसा लगा बताना। अभी इस ब्लॉग में तो ऐसे ही चल रहा है, मॉर्निंग में करेंगे राइड, क्योंकि अब नाइट में मज़ा नहीं आ रहा है ब्लॉग्स बनाने में, इधर उधर क्या हो ही नहीं पा रहा है ब्लॉग, मैं सही से बता रहा हूँ। अपने को ना लॉन्ग टूर में जाने में मज़ा आता है, क्योंकि अपने बाइक्स ऐसी ही बाइक है लॉन्ग वाला, टूरिंग नहीं है, थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप का है बाइक, तो भी से नेकेड बाइक है तो भी टूरिंग नहीं है, तो चलते हैं इसी।
गाइस राइडिंग ऐसे ही मामूली राइडर बनना मामूली बात नहीं है भाई। मैं पहले सोचता था क्या कि राइडर ऐसा होते हैं, राइडर को हर चीज़ मज़ा रहता है, घूमने फिरने हर चीज़ का मज़ा करते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं खुद राइडिंग करके देख चुका हूँ, हर चीज़ का मैनेज वगैरह करना पड़ता है, पेट्रोल का, आपका खर्चे का, हर चीज़ का, बट बाइक सभी मेंटेनेंस, तो सब कुल मिलाकर आपको अपना मन अभी ऐसा चल रहा है कि मैं अपना कुछ खर्चा छोड़कर इसका खर्चा कंप्लीट कर रहा हूँ, अपना बाइक्स का, मतलब पैंथर का। तो गाइस ऐसा ही कुछ है अपना, मैं अपने से ज़्यादा इसका ख्याल रखता हूँ, इसका खर्चा उठाता हूँ, क्योंकि भाई अपना प्यार है, इसी नाम से मैं इस बाइक को ज़्यादातर किसी को नहीं देता हूँ। और ये सिर्फ मैं और मेरा भाई और मेरे पापा बस चलाते हैं इस बाइक को, मतलब कि मेरे पैंथर को, बाकी किसी को नहीं दिया हूँ आज तक। हो गया चलाने को दे दिया हूँ, बट ऐसा लॉन्ग टूर में अकेला ले जाए ऐसा कुछ नहीं दिया हूँ, बट सोचूंगा नहीं आगे तक दूंगा करके, बट देखते हैं क्या होता है, हालात ही बताते हैं। उनके तक